हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5, अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस केम टू विजिट इट। मैंने बहुत कुछ सुना था मिस बीम के स्कूल के बारे में, मगर पिछले हफ्ते ही मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन द साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। जब मैं वहाँ पहुँचा था तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा था, सिर्फ एक लड़की दिखी थी जो लगभग 12 साल की थी। हर आइज वर कवर्ड विद अ बैंडेज एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई अ लिटिल बॉय। और वो जो लड़की थी उसकी आंखें एक पट्टी से बंधी हुई थी, बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, और उसको बहुत ही ध्यान से फूलों के बीच में से एक बच्चा लेकर जा रहा था, और जो वो बच्चा था वो लगभग कुछ 4 साल का था। शी स्टॉप्ड And it looked like she asked him who had come. वो रुकी और वो उस बच्चे से पूछती है, वो जो जिस लड़की ने आंखों पे बैंडेज बांधा हुआ होता है वो रुकती है और वो उस बच्चे से पूछती है कि आसपास क्या है और क्या दिख रहा है। तो वो जो बच्चा होता है, he seemed to be describing me to her. Then they passed on. फिर जो बच्चा है वो उसको डिस्क्राइब करता है कि आसपास क्या है, और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिसिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि मैंने सोचा था, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। वो अधेड़ उम्र की थी और पूरी तरीके से सब पे अधिकार रखने वाली थी, मगर फिर भी वो बहुत ही अच्छी थी और समझदार थी। हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल सफ़ेद होने लगे थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर, और उनकी बहुत ही प्लीजेंटली फैट, मतलब बहुत ही हल्की सी मोटी थी जो इतना अच्छा लगता है, और प्रेजेंटली फैट फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग द होम सिक चाइल्ड। जो कि जो होम सिक का मतलब होता है घर की बहुत याद आना, तो ऐसे बच्चों को उनको देखकर अच्छा लगता था जो अपने घर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। मैंने उनसे उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में पूछा जो मैंने सुना था वो काफ़ी आसान थे। No more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. वो बताती हैं हम ऐसा कुछ स्पेशल नहीं सिखाते, सिंपल चीज़ें जैसे कि जोड़ना घटाना, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैथ्स कब में करते हैं, मल्टीप्लाई करना और लिखना। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरैक्टिंग इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट। और इसके अलावा हम उनको लोगों से बातचीत करना, इंटरेक्ट करना मतलब होता है बातचीत करना और ध्यान से बैठना और चुप रहकर सीखना सिखाते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं सिखाते हैं। द एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थाट एज टू टीच थाटफुलनेस, काइंडनेस टू अदर्स एंड बींग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो कहते हैं कि हम लोग बच्चों को बहुत ज़्यादा सिखाना नहीं चाहते हैं कि वो सोचें, बल्कि वो अच्छा सोचें, लोगों के लिए काइंड रहें, अच्छे रहें और अच्छे सिटीजन मतलब नागरिक बने, हम उनको ऐसा बनना सिखाते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तो वो कहती हैं राइटर से कि क्या आप एक मिनट के लिए बाहर देखेंगे। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। तो जैसे राइटर ने बाहर की तरफ देखा, उन्होंने देखा कि एक गार्डन था जो जिसमें बच्चे खेल रहे थे। वट डू यू सी, मिस बीम आस्ट। तो मिस बीम उनसे कहती हैं कि तुमने क्या देखा है बाहर। आई सी सम वेरी ब्यूटिफुल ग्राउंड्स, मैंने बहुत ही सुंदर बगीचे देखे। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही खुश बच्चे। पेंस मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग, मगर मुझे देखकर ये दुख होता है कि सब कुछ सारे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं दिखते हैं। वेन आई केम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बींग लेड अबाउट, जब मैं यहाँ अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक बेचारी बच्ची को एक दूसरा बच्चा डायरेक्शन दिखाता हुआ अपने साथ लेकर जा रहा था। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज़, उसको अपनी आँखों में कुछ परेशानी थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और अब मैं देख रहा हूँ कि दो और हैं जिनको सेम प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर सेट प्ले, और एक गर्ल है, क्रच का मतलब होता है जो जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है जो चल नहीं पाते, वो जो लाठी टाइप की लेके चलते हैं ना उसको क्रच बोलते हैं। विद अ क्रच वॉचिंग द अदर सेट प्ले, तो और वो कहते हैं कि मैंने एक और को प्लेग्राउंड में अब खिड़की से देख रहा हूँ जिसके पास क्रच है, जो दूसरे बच्चों को खेलते हुए देख रही है। शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल,
क्रिपल का मतलब होता है जो चल नहीं पाते हैं, तो वो बोलते हैं कि होपलेस, जिसको कोई उम्मीद ना हो, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि वो, इसको उम्मीद नहीं है और वो चल नहीं पाती है। मिस बीम लाफ्ड, ओ नो शी सेड, शी इज़ नॉट रियली लेम। मिसेस बीम, सॉरी मिस बीम जो होती हैं वो हंसती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, वो सच में लेम नहीं है, बल्कि ये लोग ऐसा एक दिन रखते थे जिसमें बच्चों को इस तरीके से आना होता था। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे। वो ये कहती हैं कि ये ऐसी नहीं है कि चल नहीं पाते, और बाकी जो बच्चे लोग हैं वो भी ऐसे नहीं है कि वो देख नहीं पाते हैं, ये उनका ब्लाइंड डे और लेम डे है। तो वो आई मस्ट हैव लुक वेरी सरप्राइज, फॉर शी लाफ्ड अगेन। फिर वो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ होगा, फिर से वो हंसने लगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, वो कहते हैं ये जो हम लोग करवा रहे हैं बच्चों से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पूरे पढ़ाने के तरीकों का। टू मेक आर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिस फॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिस फॉर्चुनेट टू। वो ये कहती हैं कि हम लोगों का पढ़ाने का ये तरीका है कि हम चाहते हैं कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो बच्चे उसको भी समझ पाएँ, और वो कैसे समझ सकते हैं, जब वो खुद भी उस चीज़ को फील कर पाते हैं। ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो क्या होता है उनके स्कूल में, वो ऐसा करते हैं कि हर जो उनका टर्म होता है जब स्कूल चलते होते हैं, उसमें हर किसी बच्चे का एक दिन अंधे वाला दिन होता है, एक दिन ऐसा होता है कि वो सुन नहीं सकते, एक दिन वो बोल नहीं सकते, एक दिन ऐसा होता है जिसमें अपने पैर वैर को बांध के चलना पड़ता है, वो इंजर्ड डे होता है। इस टाइप से अलग अलग डे होते हैं, हर बच्चे को इस तरीके से करना होता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ वर बैंडेज एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। तो क्या होता है जब उनका ब्लाइंड डे होता है, ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, जब ऐसा ब्लाइंड डे होता है तो उनके आँखों के ऊपर बैंडेज बांधी जाती है, पट्टी बांधी जाती है, और फिर वो उन पर, बच्चों पर डिपेंड करता है कि वो झाँक कर ना देखे। पीप का मतलब होता है झाँकना। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। तो जो बैंडेज होती है वो उनके रात को जब सोते हैं तभी बांधी जाती है, ताकि जब वो सुबह उठे तब उन्हें कुछ भी ना दिखे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरी थिंग, इसका मतलब कि उन्हें हर चीज़ के लिए मदद चाहिए होती है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट, और जो दूसरे बच्चे होते हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है, ये काम दिया जाता है कि जिनका कोई स्पेशल डे चल रहा है, लेम डे चल रहा है, ब्लाइंड डे चल रहा है, वो उनकी मदद करें। अदर चिल्ड्रन आर गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग दैम, यही बताया गया है। दे आर लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। तो इससे क्या होता है, इस एक्सरसाइज से जो उनको दी जाती है अलग अलग दिन, अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ के साथ, जैसे लेम डे, ब्लाइंड डे, इससे क्या होता है कि जो वो बच्चा होता है जो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, जो ब्लाइंड बना होता है और जो उसकी हेल्प कर रहा होता है, दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। देर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, मिस बीन कंटिन्यू। फिर मिस बीन कहती हैं कि इसमें कोई दुख की बात नहीं है, मिजरी का मतलब होता है कोई दुख की बात या परेशानी की बात। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, वो कहते हैं इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कि हर कोई बहुत ही अच्छा होता है और ये एक खेल की तरह है। बिफोर दैट डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थाटलेस चाइल्ड रियलाइजेज वॉट मिसफॉर्चुनेट इज़। तो इसमें क्या होता है कि जब वो दिन ख़त्म होता है, जिस दिन उनको ब्लाइंड, लेम वगैरह कुछ बनना होता है, उस दिन के एंड में जो बच्चा बिल्कुल ही ना समझ तरह के होते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं है, उन बच्चों को में भी एक अच्छी फीलिंग डेवलप हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल हो जाते हैं, सोचने लगते हैं चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो उनके जितने लकी नहीं हैं, जिनके सारे हाथ पैर बिल्कुल ठीक नहीं हैं। द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट। ब्लाइंड डे मतलब जो अंधे रहने वाला दिन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है और बुरा होता है, वर्स्ट मतलब बहुत बुरा। बट कुछ लोग कहते हैं कि जो डम डे होता है, डम मतलब जैसे कि बोल नहीं पाते, वो वाला जो दिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। वो कहते हैं कि हम मुँह बांधते नहीं हैं बच्चों का, मगर बच्चों को खुद ही ध्यान रखना होता है कि वो ना बोलें। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। फिर राइटर से मिस बीन कहती हैं कि चलिए गार्डन में चलते हैं और खुद ही देख लीजिए कि बच्चों को कैसा लग रहा है। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, तो मिस बीम उनको लेके जाती हैं एक बैंडेज गर्ल के पास, मतलब जिसके पट्टी बंधी हुई है। हेयर अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेट मिस बीन एंड लेफ्ट अस। वो उस राइटर को उस बच्चे के पास छोड़ जाती हैं और कहती हैं कि ये देखिए आपके से कोई आया है मिलने, बात करने, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क द गर्ल। तो वो जो राइटर होते हैं वो पूछते हैं कि क्या तुम कभी झांक के नहीं देखते हो। ओ नो शी एक्सक्लेम, वो बोलती है नहीं कभी नहीं। दैट वुड बी चीटिंग, वो तो एक चीटिंग होगी ना।
बट आई हैड नो आइडिया, इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. बट वो कहती है ऑफुल मतलब बहुत ही बुरा, वो ये बोलती है, बट मुझे ये नहीं पता था कि अंधा होना इतना ज़्यादा ख़राब होता है. यू कैंट सी अ थिंग, मतलब आप कुछ भी नहीं देख सकते हो. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट. आपको ऐसा लगता है कि आपकी टक्कर हो जाएगी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ से. इट्स सच अ रिलीव जस्ट टू सिट डाउन. ऐसा लगता है कि बैठ जाओ और बस कि किसी चीज़ से टक्कर ना हो. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आज भी मैंने पूछा, जो आपकी हेल्प करते हैं वो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं? फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी वेन इट्स माई टर्न. वो ये कहती है कि हाँ वो अच्छे हैं मगर इतने अच्छे नहीं हैं, मतलब वो ठीक है मगर वो इतने केयरफुल नहीं है जितनी मैं केयरफुल होंगी जब मेरा हेल्पर बनने का टर्न आएगा किसी ब्लाइंड चाइल्ड के साथ. दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स. वो कहती है कि जो ऑलरेडी ब्लाइंड हैं जिनको नहीं दिखता है वो बहुत अच्छी हेल्प करते हैं. इट्स परफेक्टली गैसली नॉट टू सी, ये बहुत ही बुरा होता है ना देखना. आई विश आई वुड ट्राई. शेल आई लीड यू एनी वेयर, फ्रेडर कहते हैं क्या मैं तुम्हें कहीं ले जा सकता हूँ? वो कहती है ओ येस शी सेड लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक. वो कहती है हाँ बिल्कुल चलिए चलते हैं एक सैर पर. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, बस आपको बताना पड़ेगा कि मेरे आसपास क्या हो रहा है. आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. फिर वो बच्ची कहती है कि मुझे बड़ी खुशी होगी जब आज का दिन खत्म हो जाएगा. द अदर बैड डेज कांट बी हाफ बेज बैड एज दिस, दूसरे जो बुरे दिन होते हैं वो इससे आधे भी बुरे नहीं होते हैं. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड अ हॉप्ड अबाउट ऑन अ क्रंच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस. वो कहती है कि एक पैर को ऊपर बांध लेना और क्रच पे चलना तो मज़े ही आते होंगे शायद. हैविंग एन आर्म टाइड अप इज अ बिट मोर ट्रबलसम बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट. बट अगर हाथ आपका बांध दिया जाए तो वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है क्योंकि आप बिना किसी की मदद से आप खाना भी नहीं खा सकते हो और दूसरी चीज़ें भी नहीं कर सकते हो. आई डोंट थिंक आई विल माइट बीइंग डेफ फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच. वो कहती है अगर मैं एक दिन के लिए बहरी हो जाऊँ तो उससे शायद मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट बींग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, मगर ना देख पाना बहुत ही डराने वाला होता है. फ्राइटनिंग का मतलब होता है डराने वाला. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. मेरे सर में दर्द होता है सिर्फ ये सोचकर कि कहीं मैं चोट ना खा जाऊँ. एक का मतलब होता है दर्द. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. जो है प्ले ग्राउंड में थे अब और वो अपने घर की तरफ जा रहे थे. मिस बीन इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. मिस बीन घूम रही थी ऊपर नीचे एक लंबी सी लड़की के साथ. वट इज़ द गर्ल वेयरिंग, उस लड़की ने क्या पहना हुआ है? माई लिटिल फ्रेंड आज जो उस राइटर के साथ छोटी सी बच्ची थी उसने ये पूछा. ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. ब्लू कलर की उसने शर्ट स्कर्ट पहनी हुई है और पिंक कलर की टॉप पहनी हुई है ब्लाउज. आई थिंक इट्स मिली. वो कहती है शायद वो मिली है. शी सेड वॉट कलर इज हर हेयर, उसके बाल कौन से कलर के हैं? वेरी लाइट आई सेड, बहुत ही हल्के रंग के. येस दैट्स मिली शी इज़ द हेड गर्ल. हाँ वो मिली है और वो हेड गर्ल है. देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. फिर उन्होंने बताया कि एक बूढ़े से आदमी हैं जो रोजेस को बांध रहे हैं. येस दैट्स पीटर ही इज़ गार्डनर ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड. हाँ वो माली है और वो बहुत बूढ़े हैं कई साल के. एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर शी इज़ ऑन क्रचेस. और एक यहाँ पे गर्ल आई है जिनके कर्ली रेड कलर के हेयर्स हैं और वो क्रचेस, जैसे मैंने आपको बताया था क्रचेस क्या होता है, जिस पे जो लंगड़े होते हैं वो चलते हैं उसकी हेल्प से वो क्रचेस होते हैं. दैट्स अनीता. वो कहती हैं कि वो अनीता है. एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे. ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times मोर थाटफुल देन आई एवर थाट आई कुड बी. फ्राइडर को लगता है कि चलते चलते और वो टाइम जो उन्होंने वहाँ बिताया उसके बाद वो बहुत ज़्यादा विचारशील हो गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा समझने लगे हैं चीज़ों को अच्छी तरीके से. और वो कहते हैं कि मैं आज 10 गुना ज़्यादा समझदार हो गया हूँ जिससे मैं पहले था. आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. फिर वो कहते हैं अगर किसी को कुछ बताना पड़े कि आसपास क्या चल रहा है वो मतलब करना, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. फिर जब मुझे जाना पड़ा तो मैंने मिस बीम से कहा कि मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है वाकई में कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से. बीम शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. फिर वो कहते हैं कि इस आप दुखी हैं इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो अच्छा ज़रूर है. तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू सो मच.